हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू क्राफ्ट वीडियो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले ली है और लिया है एक पुराना मग जो कि हम सभी के किचन में हमें आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मग के हैंडल के ऊपर लगाया फेविकॉल और मैंने जो मोल्डेड क्ले थी उसको अच्छे से मतलब पतला बेल कर और उसको एक रेक्टेंगल शेप में कट कर दिया और फिर हमें इसे हैंडल के ऊपर कुछ इस तरह से लगाना है। और ये देखिए अभी इसका शेप नहीं आ रहा है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा थिन है, तो हमें इसको बार बार शेप देना है। और मैंने यहाँ पर हैंडल बनाया है विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक। तो टूथपिक मैंने इसलिए ली है बिकॉज़ जो हैंडल था वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाना था और मैं चाहती थी कि उसके अंदर एक कुछ ऐसा हम रखें कि जिससे ये स्ट्रॉन्ग रहे इसका स्ट्रक्चर, तो इसीलिए मैंने टूथपिक ली। और मैंने हेडलाइट बनाने के लिए यहाँ पर मोल्डेड क्ले की एक बॉल बना दी और उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत तो ये स्कूटर जैसा लगने लगा है अभी, बट अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके व्हील्स बनाएंगे बिकॉज़ बिना व्हील्स का स्कूटर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने व्हील्स बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सर्कल शेप कट करे हैं, मतलब दो मैंने सर्कल शेप कट करे हैं और मैंने यहाँ पर उनको कर दिया है पेस्ट। तो बट मैंने यहाँ पर इसको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट नहीं करा बिकॉज़ ये मोल्डेड क्ले है तो ये खुद ही काफ़ी स्ट्रॉन्गली इसमें चिपक जाएगी और हमें फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हो गए हमारे टायर रेडी, बट अभी ये थोड़े अधूरे लग रहे हैं बिकॉज़ जो टायर के ऊपर एक वो होता है कुछ शेप देने के लिए, मैंने यहाँ पर क्या करा है कि मोल्डेड क्ले को रोल रोल करके और उसको कट करके उसके ऊपर हमने इस तरह से लगा देना है। तो देखिए अब लग रहे हैं ना ये असली के टायर्स। तो ये हो गया, हमारे स्कूटर के टायर भी रेडी हो गए हैं दोनों तरफ से। तो अभी हमारा जो बैक टायर है वो रह गया है, स्टेपनी जो होती है, तो स्टेपनी के लिए मैंने इस तरह से एक टायर बनाया टायर के शेप में और उसको पेस्ट कर दिया। अब बारी आती है कलर की, तो सबसे पहले मैंने इस पर एक जैसो का कोट दिया है। अगर आपको जैसो नहीं पता तो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया जैसो कैसे बनाया जाता है। देन आफ्टर दैट मैंने इस पर अप्लाई करा है येलो कलर बिकॉज मुझे क्राफ्ट्स के लिए येलो कलर बहुत ही हैपनिंग सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है येलो कलर से ना क्राफ्ट्स में एक खुशी सी आ गई है, लाइक ये मेरा ओपिनियन है। तो फिर मैंने इसको अंदर बाहर दोनों तरफ से येलो कलर से कर दिया है पेंट और उसके बाद मैंने टायर्स के लिए लिया है ब्लैक कलर। और जब हम टायर को कलर करेंगे तो हम बीच में हम छोटा सा सर्कल छोड़ देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाए हैं विंग्स बिकॉज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा अधूरा लग रहा था, तो फिर हमने यहाँ पर दो विंग्स बना दी। और जो फ्रंट है उसके लिए मैंने उस पर करा स्काई ब्लू कलर और दोनों तरफ मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया है। और जो विंग्स हैं उसके अंदर मैंने डॉट डॉट्स बनाए। और हाँ एक और बात, मैंने यहाँ पर एक टायर आगे भी लगाया था जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट आगे के टायर के बिना तो स्कूटर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस विंग्स के अंदर डॉट डॉट्स कर दिए हैं और हो गया मेरा स्कूटर रेडी। नाउ डू लेट मी नो आपको ये मेरा क्राफ्ट कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।